हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मैजिकल गोल्डन ग्लो पिलो मास्क, जो कि आने वाले फेस्टिवल पर आपको गोल्डन ग्लो के लिए जरूर ट्राई करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम में से हर कोई चाहता होगा कि आने वाले फेस्टिवल पर हम सबसे अलग दिखे, हम सबसे सुंदर दिखे और हमारे स्किन पर, हमारे फेस पर एक गोल्डन ग्लो आ जाए। लेकिन हम में से कुछ लोगों के पास बहुत ही कम टाइम होता है कि हम पार्लर जाएं या फिर अपने लिए बहुत ज्यादा वक्त निकाले स्किन केयर के लिए। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान समय पिल ऑफ मास्क शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, और हमें सिर्फ 2 से 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी इस पिल ऑफ मास्क के लिए, और वो भी सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो अफोर्डेबल होंगे, जिन्हें आप आसानी से परचेस कर सकते हो या फिर आपके घर में अवेलेबल होंगे। और इस पिल ऑफ मास्क को आप यूज करके आप डेफिनेटली आप पा सकते हैं गोल्डन ग्लो। और ये जो पिल ऑफ मास्क है ये 100% वर्किंग है, आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इस पिल ऑफ मास्क को हमें कैसे यूज करना है और क्या क्या सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। तो फ्रेंड्स, पिल ऑफ मास्क जो है वो हमें वीक में एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्किन पर डस्ट पॉल्यूशन धूप के वजह से हमारे स्किन पर गंदगी जम जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे पिंपल्स की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम फेस वॉश तो कर लेते हैं या फिर स्क्रब भी कर लेते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो ऊपर ऊपर से तो साफ हो जाती है, लेकिन हमारे स्किन जो है वो उनके पोर्स साफ नहीं हो पाते हैं, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है हमारे स्किन की, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं हमारे स्किन से रिलेटेड। तो हमें वीक में एक बार पिल ऑफ मास्क जरूर ट्राई करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन टाइट हो जाती है, ग्लोई हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं पिल ऑफ मास्क से, और पिल ऑफ मास्क मुझे लगता है हर स्किन को सूट करती है, हर स्किन वाले इजिली इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान से पिल ऑफ मास्क बताने वाली हूँ मैं आप सबके साथ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 में हम अपने फेस को क्लीन करेंगे, उसके लिए हम एक बॉल में सबसे पहले लेंगे 2 टीस्पून टमाटो जूस, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रॉ मिल्क, और फिर हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद हम इसे एक कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। पहले हल्के हल्के हाथों से हमें अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है कॉटन की हेल्प से ही। उसके बाद हम लगभग 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही मसाज करेंगे थोड़ी देर तक, और हल्के हल्के हाथों से ही करना है। तो रॉ मिल्क जो है बहुत ही अच्छा फेस क्लिंजर का काम करेगा, और टमाटो में लाइकोपीन पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे फेस पे अगर टैनिंग की प्रॉब्लम है या सनबर्न है तो उसे हटा के फेस को लाइट और ब्राइट करता है। तो मसाज कर लेने के कुछ देर बाद मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम पिल ऑफ मास्क बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में 1 टीस्पून रॉ मिल्क लेंगे, और फिर 2 टीस्पून हम टमाटो जूस लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये एवर यूज का गोल्डन ग्लो पिल ऑफ मास्क। तो इसे हमें 2 चम्मच लेना है। तो पहले 1 चम्मच मैंने इस तरीके से लिया था, लेकिन जब बाद में चम्मच में चिपकने लगा था तो मैंने दूसरा चम्मच जो है डायरेक्टली मिक्सचर में इस तरह से डाल दिया था मैंने, और फिर मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन सब को मतलब। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से अब मिक्स हो चुका है, और अब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो इसे अपने फेस पर मैं एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने थिन लेयर अप्लाई किया है, लेकिन आप इसका थिक लेयर ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थिक लेयर ही अप्लाई करना चाहिए हमें कोई भी पील ऑफ मास्क हो, तो हमें वो थिक लेयर ही अप्लाई करना चाहिए, और चीक्स पे से ही लगाना स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो मैं इसे अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी, और हमें इसे इवनली लगाना है अपने पूरे फेस पर। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, और अब मैं इसे सूखने के तक का वेट करूँगी। तो ये पिल ऑफ मास्क अब बिल्कुल सूख चुका है, और लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके थे इसे सूखने में, 20-25 मिनट लगे मुझे, और अब मैं इसे पिल ऑफ करूँगी। तो मैं इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पिल ऑफ कर रही हूँ, तो नीचे से ही हमें पिल ऑफ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हमारे फेस पर छोटे छोटे फेशियल हेयर्स हैं तो वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अगर हम फोरहेड पर से पिल ऑफ करते हैं ऊपर की दिशा से
तो वो फेशियल हेयर्स जो हैं वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। और वैसे भी कोई भी पील ऑफ मास्क हमें नीचे से ही पील ऑफ करना चाहिए, यानी कि चिन की तरफ से हमें ऊपर की ओर जाना पड़ता है, और ये धीरे धीरे अच्छे से पील हो जाएगा ये पील ऑफ मास्क। थोड़ा बहुत दर्द होता है हमें, कोई भी पील ऑफ मास्क जब हम अपने फेस पर लगाते हैं तो थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है हमें, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन इसे पील ऑफ करने के बाद हमारे फेस पर बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन ग्लो आ जाएगा, अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। तो ये लगभग मेरे फेस से पील ऑफ हो चुका है ये मास्क, और जो मेरे फेस पर थोड़ा बहुत रह गया है इसे मैं नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। मैंने इसे वॉश कर लिया है वाटर से, और अब मैं एक मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और आप खुद ही देख सकते हैं मेरे फेस पर एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ग्लो आ गया है, एक अच्छी सी शाइन आ गई है मेरे फेस पर। तो आप भी इस फेस्टिव सीज़न पर आप ये पील ऑफ मास्क जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा पील ऑफ मास्क है ये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है अगर आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।